हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फ्रॉम इरकुत्स्क। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में, नए शहर से और नए कॉन्टिनेंट से। यस, नए कॉन्टिनेंट तो मैं दो दिन पहले ही आ गया था, यूरोप से एशिया। और अभी सुबह यहाँ पे हो रहे हैं 8:28। मैं अभी पहुँचा हूँ इरकुत्स्क। आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, मैंने ट्रेन लिया था क्रास्नोयार से लेकर के इरकुत्स्क के लिए। मेरे पास यहाँ पे 24 घंटे हैं। कल इसी वक्त यहाँ से उलान उड़े के लिए ट्रेन है मेरी, वो आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेगा। तो अभी मेरे पास 24 घंटे हैं, तो देखना ये है कि मुझे इरकुत्स्क में करना क्या है, कहाँ कहाँ मैं घूमूंगा। और अभी तक कुछ रहने का भी कंफर्म नहीं हुआ है। मैंने काउचसर्फर होस्ट को रिक्वेस्ट भेजा था, एक ने एक्सेप्ट किया है, बट अभी उनसे बातचीत नहीं हुई है। तो पहले उनसे बातचीत करते हैं और देखते हैं कि रहने का जुगाड़ क्या बैठता है। और अगर वहाँ नहीं हुआ तो कोई भी हॉस्टल ले लेंगे अपन। 24 घंटे तो रहने हैं, कल सुबह सुबह निकलना ही है। तो अभी बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले तो चल के मैं नाश्ता करूंगा। भाई बहुत तेज़ भूख लगी है। टाइम जोन चेंज हो चुका है, टाइम जोन है अभी GMT+8 मॉस्को के टाइम से लगभग पाँच घंटे आगे। और यहाँ का माहौल आपको दिख ही रहा है, पूरा एशिया वाला फील आ रहा है। भाई अपन एशिया में आ चुके हैं। आर्किटेक्चर बड़ा प्यारा है, बहुत खूबसूरत है। और ये यहाँ से आपको मेनली बुद्धिज़्म कल्चर स्टार्ट हो जाता है। रशिया का ये आई थिंक सबसे बड़ा जो बुद्धिस्ट कल्चर है वो इसी रीजन में आता है। यहाँ इरकुत्स्क के बाद खासकर उलान उड़े जो बुरियातिया रीजन है वो। तो आपको यहाँ पर टूरिस्ट भी ज़्यादा दिखेंगे। एक तो अभी समर का सीज़न है तो टूरिस्ट भी बहुत हैं। भर भर के ट्रेन में भरी ट्रेन भरा भरा भाई, एक भी सीट खाली नहीं है। तो लेट्स गो एंड सिटी एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कि इरकुत्स्क में हमें क्या क्या नया सरप्राइजिंग देखने को मिलता है और आपको भी दिखाते हैं। रशिया के हर स्टेशन की तरह, हर एयरपोर्ट की तरह यहाँ पर भी आपको टैक्सी वाले मिल ही जाएंगे, बट परेशान नहीं करते यार उतना किलो ही। बट हाँ, एक्चुअली ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ना, लेक बाइकाल देखने के लिए आते ज़्यादातर लोग, तो इस वजह से ये बहुत फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है रशिया का, खासकर जो कि एशिया वाला पार्ट है रशिया का। और यहाँ पर जगह जगह आपको ये टूरिस्ट के लिए गाड़ियाँ मिल जाएगी, आप प्राइवेट बुक भी कर सकते हैं। तो खैर, मैं लेक बाइकाल इरकुत्स्क से नहीं उलान उड़े से जाऊंगा, तो इस वीडियो में तो आपको लेक बाइकाल देखने को नहीं मिलेगा। इस वीडियो में स्पेशली आपको इरकुत्स्क सिटी कैसा है वो देखने को मिलेगा। अभी तो रेस्टोरेंट्स खुलने स्टार्ट ही हुए हैं, 9 बजे तक खुलते हैं जनरली यहाँ पे। तीन चार चीज़ यहाँ का लोकल जो होगा वो खाएंगे, क्योंकि ये शॉर्मा वगैरह ठीक है, बट कई बार ये लोकल फूड ट्राई करना चाहिए। और आराम से यहाँ 1 घंटे बैठेंगे, डिसाइड करेंगे घूमना कहाँ कहाँ है। Завтра я пойду в Улан-Удэ. В Улан-Удэ пойдете? Да. На маршрутке? А, не, на поезд. На поезд. Один приехали? Да. Ничего себе. Молодцы. Спасибо. Я аги апнабай наста. Исме чикен ка ये है और да это вкусно, да? Ещё вкусно приготовлено. Ага. Не остро. Да. Вкусно? Да, вкусно, вкусно. И чай, бай, 35 рублей का чай. इसके अंदर जूस भरा हुआ है, जूस मैं आपको दिखाता हूँ। जूस, चिकन का फीलिंग, चिकन या मटन पता नहीं क्या है, मस्त है भाई। एक यार मज़ा आ गया।
यहाँ से मुझे ट्रैम लेना है, एक समझ लो टूरिस्ट स्पॉट ही है सिटी सेंटर में, तो वहाँ चलता हूँ मैं। नाश्ता पानी तो हो ही गया, बढ़िया एक नंबर फर्स्ट क्लास। वो जो मैंने दिखाया ना वो मोमोज टाइप का, वो बुढ़ियातिया का एक समझ लो ट्रेडिशनल फूड है। उसके अंदर जूस होता है, मीट होता है, और ऊपर से वही अपने मोमोज की तरह बहुत टेस्टी भाई, बहुत बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, मुझे तो बहुत पसंद आया। आ गई मेरी ट्रैम एक नंबर की, लेकिन रुकेगी कहाँ यार। अच्छा आगे लिखा है, ये थी अपनी ट्रैम। वही एज यूजुअल जैसे हर सिटी में होता है, पुरानी सी खटारा सी, घर 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 घर। आ गया मैं इरकुट्स के वुडन सेटलमेंट, मतलब यहाँ पे दो सेंचुरी पहले रेलवेज जब यहाँ तक आई थी तो उस समय इस सिटी में सारे घर लकड़ी वकड़ी कैसे कुछ बने होते थे, तो उसके कुछ रेमिनेंस बचे हैं यहाँ पे जो एक स्ट्रीट में अभी भी दिखाए गए हैं। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको, जब यहाँ रेलवेज आई थी और यहाँ पे जब रेलवे स्टेशन बना था तो ये वुडन लकड़ियों के घर और ये सब बनने स्टार्ट हुए थे यहाँ पे। उस टाइम इरकुट्स को पेरिस ऑफ रशिया कहा जाता था। लकड़ी के सुंदर सुंदर घर हैं, सुंदर सुंदर छोटे छोटे। बेसिकली यहाँ पे ना शाम में आने से मजा आएगा, तो अभी मैं इधर से निकलता हूँ। ये मुझे उसके जस्ट सामने शायद कोई चर्च है, ये दिखाता हूँ एक मिनट। ऊपर जब ड्रोन शॉट ले रहा था तो मुझे बड़ा प्यारा दिखा, तो सोचा चलते हैं क्योंकि लोग जा ही रहे थे अंदर। कहते हैं ना भगवान के घर से कोई खाली हाथ नहीं जाता है, तो मैं भी खाली हाथ नहीं गया भाई, बहुत जोर से प्यास लगी थी और अंदर मुझे पानी मिल गया। ऐसे छोटे छोटे चर्च जो है ना उनको विजिट करने में मज़ा आता है यार, यहाँ रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं कैमरा वगैरह के। अब मैं निकल रहा हूँ हॉस्टल अपने, मैंने हॉस्टल बुक कर लिया है। भाई बारिश होने लगी, भागो यार, कभी बारिश हो जाती है। ये रही आगे ट्रेन, हॉस्टल का एम्बियंस अच्छा लग रहा है, और स्टेशन से 5 मिनट के वॉक पे। मैंने नहीं ना दा रजिस्ट्रेशन, у меня есть тузе. Ну я в любом случае регистрацию вам делаю, что у вас временно вы здесь проживаете, потому что мы всех регистрируем. Вдруг вы сейчас кого-то украли, вы находитесь, ну, у кого-нибудь украли что-то, и вы сейчас находитесь в розыске. Здесь два туалета, где туалет написано. Хорошо. Ага, тут две душевые кабины. Здесь кухня. Угу. Так, и здесь ваша постельная. Капсюль होटल टाइप लग रहा है। ये पर्दा लगा दो। फुल प्राइवेसी। शाम के हो गए 5:40।
अभी भी आपको अंधेरा तो नहीं दिख रहा होगा, अंधेरा रात को 10 बजे होता है, 9:30 बजे। और जैकेट डाल लिया मैंने यार, क्योंकि मौसम हल्का हल्का बारिश वाला है तो ठंड लग रही है, और रात में ऑब्वियसली ज़्यादा ठंड हो जाएगी, तो इसलिए मैंने जैकेट रख लिया है सेफर साइड में। हॉस्टल पहुँचा, 1-2 घंटे सो गया था, थोड़ा सा नींद सा आ रहा था। अभी 1-2 जगह मुझे जाना है, मैंने मार्क करके रखा है। और एक बताता हूँ इंसिडेंस, मैंने काउच सर्फर जो होस्ट है उनको मैंने मैसेज आ रहा था कि मैं इरकुत्स्क आ रहा हूँ, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। अब जब मैंने अपना हॉस्टल ले लिया, तब अभी उनका मैसेज आया है कि हाँ आई एम फ्री नाउ, यू कैन कम टू माई होम। तो यार अब तो क्या ही करूँगा मैं जा कर के, मैंने कहा रहने दो, अगली बार कभी आऊँगा तो फिर मिलेंगे। अच्छी सिटी है यार, मुझे पसंद आई है सिटी, लिटरली पसंद आई। यहाँ पे एक अंकारा म्यूज़ियम है, पूरा शिप है, शिप के अंदर ही म्यूज़ियम है, तो वहाँ आप जा सकते हैं, बट गूगल पे लिखा है कि वो अभी टेम्प्रेरी क्लोज है शायद कोविड की वजह से, तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। उसके बजाय मैं एक म्यूज़ियम जा रहा हूँ, म्यूज़ियम नहीं सॉरी चर्च। फ़ोटो उसका बहुत सुंदर है, देख के मुझे लगा कि जाना चाहिए वहाँ, तो वहीं जा रहा हूँ। रेलवे स्टेशन यहाँ से, मेरे हॉस्टल से अगले स्टॉप पे रेलवे स्टेशन आता है, तो रेलवे स्टेशन से मुझे बस मिलेगी 4A नंबर की बस, नहीं ट्रॉली ट्रैम, जिसको यहाँ पे त्रोम्बाई कहते हैं, तो वो मुझे डायरेक्ट वहाँ तक पहुँचाएगी। तो चलते हैं, अंधेरा होने से पहले पहुँचते हैं। मैं हैंडपंप पहली बार देखा भाई मैंने, मैं एक्चुअली गलत ट्रैम पे चढ़ गया था, 1 नंबर पे, 4 नंबर पे चढ़ना था, तो अब मुझे 10 मिनट पहले चलना पड़ेगा। यहाँ आपको ना लकड़ी के घर खूब मिलेंगे यार, देखो टूटे फूटे से, कुछ बहुत सुंदर भी हैं, कुछ ऐसे ही बर्बाद हुए पड़े हैं, बट मोस्टली जो है ना पुराने घर वो आपको लकड़ी के ही मिलेंगे, ये यहाँ की खासियत है, ऐसा मैंने गूगल पे पढ़ा था। चलो कुछ पीने का लेते हैं, गर्मी तो नहीं है उतनी, बट फिर भी कोल्ड कॉफ़ी वगैरह कुछ मिल जाए, स्वाद आ जाएगा स्वाद। ₹30 का कोल्ड कॉफी, आह आनंद। कोल्ड कॉफी है कैपेचिनो, ये मेरे पीछे चर्च। थैंकफुली ड्रोन उड़ गया, लिमिट था उसका 60 मीटर, क्योंकि बगल में एयरपोर्ट है। इस चर्च के बारे में ज़्यादा हिस्ट्री तो लिखा नहीं है कहीं पे, बट ये लिखा हुआ है कि ये पूरे सिटी में सबसे सुंदर चर्च है ये, और वाकई में बहुत सुंदर है। इसका जो इंटीरियर है ना अंदर, बहुत प्यारा सजाया गया है और सच में खूबसूरत दिख रहा है ये। और इधर वाटरफॉल वगैरह, मतलब छोटा छोटा जो
अंदर जाना शायद अभी अलाउ नहीं है, तो बंद हो गया है या शायद कोविड की वजह से बंद है? बंद हो गया होगा क्योंकि समय टाइम ज़्यादा हो गया, अंदर का गेट बंद है। तो आपको बाहर से दिखाता हूँ मैं, बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं, मस्त बहुत प्यारा दिख रहा है। तो अगर आप सिटी आ रहे हैं तो यहाँ आके विजिट कर सकते हैं, गूगल पे भी आपको दिख जाएगा इसका रास्ता, आप डालोगे टूरिस्ट अट्रैक्शन इन इरकुत्स्क तो ये आ जाएगा। और ये देखो इसके अंदर मछलियाँ हैं भाई कई सारी। तो बस यहाँ से निकलते हैं अब अपने दूसरी डेस्टिनेशन, थोड़ा रिवर साइड वॉक करते हैं यार, जैकेट का तो वैसे अब ठंड रहा नहीं, धूप आ गया है, तो जैकेट को डाल लेते बैग के अंदर और फटाफट निकलते हैं। दोस्तों अंधेरा हो जाए उससे पहले एक दो जगह और देखना है। चर्च बंद होने का टाइम हो गया, ताला लग रहा है, अभी इनने कहा कि भाई अब जाओ कल आना। का कितना नजीब आइट से ले भी बत्तख है, बत्तख है? नहीं शायद स्वान है, पता नहीं, और मुर्गियाँ बत्तखें भी हैं। चौदसवीं दानिया, चलो अब निकलते हैं यहाँ से, ट्रैम लेते हैं इस बार, राइट सही वाला ट्रैम लेंगे, नहीं तो फिर गलत उतरना पड़ेगा, फिर पैदल चलना पड़ेगा। ये जीमा मोस्तास या विकास विकास सुशील क्या विकास है तो परोस के कुलू पत्र बोले हां तो विकास परोस की नहीं है यानी पीप वोटा ये वोट के नहीं 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 शो 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 хорошо दवा रुको या व्लॉग है दवा या वो वो की रुको तो रजी भाई वोट का डाल दे दा शो हां जी का कहता वो я инвалид, у меня машина сбила. У меня машина плохо, у меня рукой хуёво, извини. Викас, да. Нормально. Приятно вам. А? Путешествуешь? Да. А что один-то? Хороших тебе путешествий. Ну только я один делаю путешествия. Подожди, а что один-то? А где все у тебя? Не только один. Ну давай, удачи. Давай. Хат ты водка дал дия. Викас, спасибо большое. Давай, давай. Все. सही है भाई, एंटीसेप्टिक। ये दिख रहा है, ये मेरे बगल में है अंगारा रिवर, और उसके उस साइड जो है ना वो एक आइलैंड पार्क, मतलब आइलैंड को पार्क बना दिया है, और यहाँ बोटिंग वगैरह भी सब हो रहा है यार, तो आप यहाँ शाम एंजॉय कर सकते हो। और पता नहीं क्यों ऐसा विजिबिलिटी कम हो गया है, जबकि अंधेरा नहीं हुआ है अभी, और ये सुबह से ही विजिबिलिटी है ही नहीं ज़्यादा, बहुत दूर तक दिख नहीं रहा है यहाँ पे, या तो पॉल्यूशन या फिर धुंध, लेकिन दोपहर में कौन सा धुंध था यार, बादल थे। लेकिन चलो अंदर चलते हैं। Like a light lighting up in the dark, you make it right, I forgot how to act, it's so classic, every time you make me nervous and I lose my words, it's been a while since I forgot the most simple words. अच्छा है माहौल, हैपनिंग सा माहौल है, लोग चिल कर रहे हैं इधर, यहाँ का हवा ठंडा हो गया अभी, शायद ये नदी की वजह, नदी है ना इस वजह से, क्योंकि सिटी के अंदर तो गर्मी लग रही थी, बट जैसे किनारे पे आए ना ये बच्चा गिर गया। बच्चे ऐसे ही होते हैं, कहीं भी गिर जाते, उलट गया बेचारा साइकिल लेकर के। खैर तो यहाँ पे ठंड ज़्यादा हो गई अभी, शायद मुझे जैकेट पहनना पड़ेगा,
Привет, привет. Привет. Как вас зовут? Как вас зовут? А? Меня Миха. Миха? Да. И его? А его? Лоха. Миха Лоха. А? Приятно вам, Миха Лоха. Пока-пока. Пока-пока. Bye-bye. बैठने के लिए बना हुआ है बेंच वगैरह, बगल में नदी है, बोट राइड भी कर सकते हैं आप, बट अभी तो अंधेरा हो गया है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, मच्छर बहुत है, ओडोमॉस लगा के आना। Like a light lighting up in the dark. You make it right, I forgot how to act, it's so classic. Every time you make me nervous and I lose my words. It's been a while since I... तो मैं आ गया उसी रेस्टोरेंट के पास जहाँ पे सुबह मैंने ब्रेकफास्ट किया था। अब यहीं से मैं डिनर करने वाला हूँ क्योंकि भूख लग गई बहुत तेज़, रात के 10 बज चुके हैं। चलते पहले डिनर करते हैं। ये था सूप ये इसको можете компот дисконт как 40 рублей да один хорошо क्रैनबेरी का जूस है, फ्रेश, अच्छा है। आ गया अपना खाना, इसके अंदर जूस होता है, मुझे तो बहुत पसंद आया भाई। जब नए शहर जाओ तो उस नई रीजन में जाओ तो उस रीजन का आपको लोकल खाना ट्राई करना चाहिए। मैं भी कोशिश करता हूँ करने के लिए। इस वीडियो को बस अब यहीं ख़त्म कर देते हैं, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया। और अगले वीडियो में आप देखेंगे मैं यहाँ से इरकुत से उलान उड़े के लिए ट्रेन लेने वाला हूँ, और उलान उड़े में मैं अगले 3 रात उलान उड़े में ही रहूँगा। वहाँ से मैं बाइकाल जाऊँगा, कॉस्ट सर्फिंग करने वाला हूँ, और पता नहीं और भी कई सारी चीज़ें होंगी। देखते हैं क्या क्या सरप्राइजेज़ वहाँ देखने को मिलते हैं। मिलेंगे अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो जब इतने दूर देख ही लिए हो तो लाइक शेयर और कमेंट कर दो, और अगर चैनल पे नए हो, वीडियो पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर दो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दस विदानियाँ।